और सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि स्वच्छ भारत अभियान दिवस है तो लाइक कैसा चल रहा है? स्वच्छ भारत आई थिंक हमारे देश में लॉन्च हुए कैंपेन्स में से सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंपेन्स है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य, हमारी सेहत हमारे वातावरण से कितनी जुड़ी हुई है. हम जिस तरह अपने वातावरण को ट्रीट करेंगे उसी तरह हमारी ज़िंदगी बन सकती है. अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, हम गंदगी से जूझ रहे हैं. और गंदगी बहुत अन्य प्रकार की है. आज जो जिस विषय पे हमने यहाँ पे बात की NDTV के बनेगा स्वच्छ इंडिया प्रोग्राम में, वो ये था कि वेस्ट मैनेजमेंट. अब वेस्ट मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है जो हम नागरिक, आम नागरिक भी कर सकते हैं. 2003 या 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था कि सारा जो वेस्ट होता है घर का वो दो हिस्सों में बटेगा, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते भी नहीं कि वेट और ड्राई क्या होता है. तो वेट वेस्ट अगर सिंपली समझाऊं तो वो है जो धरती से उगता है, जो भी धरती से आता है वो वापस धरती में मिल सकता है, वो है वेट वेस्ट. तो ऑब्वियसली कागज़ की परनियाँ, प्लास्टिक रैपर्स, टेट्रा पैक्स, स्ट्रॉज, ये सब चीज़ें आप वेट वेस्ट में नहीं डाल सकते. और ड्राई वेस्ट ये सब चीज़ें हैं, बिस्किट के पैकेट, चिप के पैकेट, मिल्क के पैकेट, जो जितनी चीज़ें हम रोज़ाना ज़िंदगी में कंज्यूम करते हैं. मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊंगी कि हमारे जो वार्ड हैं H वेस्ट वार्ड, उसमें महीने में 450 मेट्रिक टन कचरा पैदा होता है. और ये एरिया में सिर्फ 3 लाख नागरिक रहते हैं, ठीक है? तो आप सोचिए कि हमारी देश की संख्या क्या है और वो कितना हम कचरा पैदा करते हैं. तो अगर हम घर पे एट सोर्स अपना वेस्ट मैनेज करने लग जाएं, तो वो अगर H वार्ड का मैं एग्ज़ाम्पल उदाहरण दूंगी, तो 450 मेट्रिक टन कैन बिकम 250 मेट्रिक टन, क्योंकि लोग हम अपना जो वेट वेस्ट है उसको कॉम्पोस्टिंग करेंगे या वेस्ट टू एनर्जी करेंगे. तो उम्मीद यही है कि 2019 तक, जब हमारी कल्पना है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की कल्पना है कि इंडिया बनेगा स्वच्छ, हम सब इस बात को समझ लेंगे कि जितनी भी चीज़ें हम अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में ले आते हैं, उसे चाहे वो खाने बतौर खाने के लिए हो या पहनने के लिए हो या उपयोग करने के लिए हो, वो कहीं से आ रहा है और उसे कहीं जाना है. और अगर हम इस बात का एहसास रखना शुरू कर दें कि ये जाएगा कहाँ, और जब हमको उस बात का जो उत्तर है वो तकलीफ देने लगे, तो वो चीज़ें हम यूज़ करना बंद कर दें, जैसे कि प्लास्टिक, है ना? जैसे आपने कहा प्लास्टिक, सिर्फ प्लास्टिक बैग नहीं होता, प्लास्टिक स्ट्रॉज होती हैं, प्लास्टिक की बहुत चीज़ें होती हैं. तो वो जो दुरुपयोग है या बिना सोचे समझे हम ऐसी यूज़ कर लेते हैं, वो शायद होपफुली बंद हो जाएगा. मैम आज 3 साल पूरे हो चुके हैं, पर अभी भी देखा जाए तो ओपन डेफिशिएंसी है, फिर बीच पे अभी भी प्लास्टिक्स, और ये तो कहाँ पर कमी रह गई आपको लगता है कि अभी भी ऐसे ही चल रहा है? हमारे देश की जो लोगों की संख्या है और जितना हमने काम करना है आगे, पहले साल में हमने ओपन डेफिकेशन के बारे में सुना, पढ़ा, काम किया, देखा कि एसेंशियल जो प्रोपगेशन था स्वच्छ भारत का वो ओपन डेफिकेशन के इर्द गिर्द था. आज हम समझने लगे हैं कि लोग प्लास्टिक जला रहे हैं, कूड़ा जला रहे हैं, समुंदर, नदी, तालाब, सड़क के प्लास्टिक जमा होने की वजह से इट्स अफेक्टिंग एवरीथिंग, आर हेल्थ, आर द क्वालिटी ऑफ आर लाइफ, आर फूड, आर एयर, एवरीथिंग. तो पीपल हैव नाउ स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट स्वच्छ भारत के नॉट जस्ट बी अबाउट डीलिंग विद ओपन डेफिकेशन, इट हैज़ टू बी अबाउट डीलिंग विद ऑल एस्पेक्ट्स दैट आर पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इज वेस्ट मैनेजमेंट. तो दीदी, जैसे आपने कहा कि आज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये तब सॉल्व होगा जब हर इंसान इस देश का ये समझेगा कि उनका, वो भी इस सॉल्यूशन में उतने ही हिस्सेदार है जितना कि वो किसी गवर्नमेंट को मानते हैं या किसी सिविक बॉडी को मानते हैं या किसी और को मानते हैं. करेक्ट. तो गैप है, अब वो गैप कम होने तक शायद थोड़ा समय लगे, लेकिन फिर हमने क्या कहा, हमने कहा एक काम करते हैं, हमारे बिल्डिंग में जगह है, हम जितना भी हमारा वेट वेस्ट है उसको हम कॉम्पोस्ट में बदल देंगे.
हम हमारे जगह में तो अभी हमारे बिल्डिंग से जो कचरा जाता है वो सिर्फ ड्राई वेस्ट है, ई वेस्ट भी नहीं देते हम, ई वेस्ट का अलग कलेक्शन होता है. तो आई थिंक बात मैं कहना ये चाहती हूँ कि एक तो अगर आप सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक दिन सोच के नहीं बन सकते, आपको हर समय इस बारे में ध्यान रखना पड़ेगा और हर वो काम करना पड़ेगा टू सीक सोल्यूशंस. आप सिर्फ प्रॉब्लम की बात करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, आपको हमेशा ये सोचना है कि हम इस सोल्यूशन का हिस्सा कैसे बने, वो सब हम क्या कर सकते हैं हमारे सोसाइटी में, कोऑप में, बंगलों में, जो भी है, आप चाहे जहाँ भी रहते हैं क्या वो कर सकते हैं जिससे ये समस्या का हल हम सब मिलकर ढूंढें. एक और चीज़ है जो मैंने बहुत नोटिस किया है, कचरा जलता हुआ दिखाई देना, इससे बहुत हानि पहुंचता है लोगों को, कैंसर बढ़ता है, हार्ट डिजीज़ बढ़ता है, लंग डिजीज़ बढ़ता है, बहुत बहुत तकलीफ़ होती है. और बहुत सारी जगहों में देखा है, इन कोऑप्स में भी होता है, लेकिन सड़कों के किनारे कभी कभी हटमेंट्स में, स्लम एरियाज़ में भी ये बहुत होता है. ये और मार्शल्स भेजे जाते हैं, लोगों से बात किया जाता है, लेकिन बार 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 लोगों तक ये बात पहुंचाना कि इससे आपको हानि पहुंचेगा, आपके बच्चे बीमार होंगे, आपके बड़े बीमार होंगे, आप खुद बीमार होंगे, आपका ये करना बंद करना बहुत ज़रूरी है. ये अब आपका भी काम है कि आप कोशिश करें कि ये जो ये समझ है, ये जानकारी है, ये लोगों तक पहुँचे. लास्ट सवाल है, वी वांट टू नो कि टाइटल कब रिलीज हो रहा है बायोपिक का? अरे बाबा, दैट ओनली माय डायरेक्टर मिस्टर राजू हिरानी विल बी एबल टू आंसर. ओके, लास्ट मैम, दिवाली विशेस. आई होप यू ऑल हैव अ हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी दिवाली. याद रखिए, दिवाली इज अबाउट स्प्रेडिंग लाइट एंड लव एंड हैप्पीनेस, और लोगों के जिंदगियों में कुछ मैजिक ले आइए. थैंक यू.